27 अगस्त 2003 को श्रीनगर के लाल चौक में हुआ आत्मघाती हमला महज एक आत्मघाती हमला नहीं बल्कि एक चेतावनी थी। श्रीनगर में पहली बार होने वाली मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के आयोजन के लिए जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का साहसिक कदम माना जा रहा था। खबर ये भी थी कि ये धमाका दहशतगर्दों ने न सिर्फ घाटी में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए किया था बल्कि उनके इरादे इससे एक कदम आगे बढ़कर ऐसे ही धमाके सम्मेलन के दौरान और सम्मेलन के फौरन बाद करने के भी थे। दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का ये मौका वो खोना नहीं चाहते थे, मगर उनके इरादों और ख्वाबों के सामने एक चट्टान खड़ी थी, देश के सीमा प्रहरियों की। कहीं भी कभी भी कुछ भी कर गुजरने के संकल्प में बंधे सीमा सुरक्षा बल के जांबाजों ने न सिर्फ दहशतगर्दों के इन मंसूबों को ध्वस्त किया, उनके ख्वाबों को धूल चटाई, बल्कि इन मंसूबों को बनाने वाले राणा ताहिर नदीम उर्फ शाहबाज खान उर्फ गाजी बाबा के घर में घुसकर उसी के सीने पर अपनी फतेह का झंडा भी लहराया। ये राणा ताहिर नदीम उर्फ शाहबाज खान उर्फ गाजी बाबा कोई मामूली दहशतगर्द नहीं बल्कि घाटी में जैश ए मोहम्मद का चीफ ऑपरेशन कमांडर था। ये वो दहशतगर्द था जिसने न सिर्फ जम्मू और कश्मीर असेंबली और फिर पार्लियामेंट पर हमले की साजिश रची और उसे सरंजाम दिया बल्कि हिंदुस्तानी जहाज को हाईजैक कर कांधार ले जाने की साजिश में भी शामिल था। भारतीय सुरक्षा बलों के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज ये शौर्य गाथा न सिर्फ सीमा प्रहरियों के हौसले वतन पर मर मिटने के जज्बे और दिलेरी का सबूत है बल्कि मरते दम तक कर्तव्य पर डटे रहने के संकल्प का प्रमाण भी है। घटना चक्र की शुरुआत सीमा सुरक्षा बल के सजग प्रहरियों द्वारा 28 अगस्त 2003 को श्रीनगर में 61वीं बटालियन की एक मोबाइल पेट्रोलिंग के दौरान अंसार भाई की गिरफ्तारी से हुई। अंसार भाई की गिरफ्तारी ने न सिर्फ एक बड़े आत्मघाती हमले को टाल दिया बल्कि इसकी तुरंत और सिलसिलेवार तफ्तीश ने बल के जांबाजों को सुराग दिया एक बहुत बड़ी कामयाबी का। घाटी में जैश ए मोहम्मद के चीफ ऑपरेशन कमांडर गाजी बाबा की मौजूदगी का ये एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सुराग था। बिना एक पल गवाए 61वीं और 113वीं बटालियन के ऑफिसर्स द्वारा एक जॉइंट ऑपरेशन प्लान किया गया। सीमा प्रहरियों का खुफिया तंत्र हरकत में आया और सुबह होते ही कुकरनाग से दहशतगर्दों के लिए तहखाने बनाने वाले राज मिस्त्री को उठा लिया गया। उसकी निशानदेही और खबरों की सिलसिलेवार कड़ियां सीमा प्रहरियों को ले गई श्रीनगर के नूर बाग इलाके के एक ठिकाने पर। गाजी बाबा के लगातार अपने ठिकाने बदलने की खबरों के बीच श्रीनगर की तंग गलियों के बीच घनी आबादी में ऑपरेशन को अंजाम देना बल के जांबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। बेहद एहतियात के साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया गया बल्कि 61वीं और 113वीं बटालियन के जांबाजों द्वारा पौ फटने से पहले थावा बोल दिया गया। घर की घेराबंदी के बाद सहायक कमांडेंट बीनू चंद्रन और सिपाही हुकुम चंद दीवार फांद कर अंदर गए और सीमा प्रहरियों के लिए दरवाजा खोल दिया। पूरे घर की तलाशी ली गई और वहां मौजूद घर वालों से पूछताछ हुई मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। उन्हें हिफाजत से बाहर निकाल लिया गया। मकान का चप्पा चप्पा छान मारा गया मगर दहशतगर्दों का कोई नामो निशान नहीं मिला। जहां एक तरफ सीमा प्रहरी अपनी तलाश में हैरान परेशान थे वहीं उसी घर में खुफिया तहखाने में अपने साथियों के साथ छिपा गाजी बाबा सीसीटीवी कैमरे के जरिए सीमा प्रहरियों की हर हरकत पर नजर रखे था। इससे पहले कि सीमा प्रहरियों की परेशानी गाजी बाबा की खुशी की वजह बने सहायक कमांडेंट बीनू चंद्रन ने दीवार पर लगे शीशे को लात मारकर तोड़ दिया। तहखाने का रास्ता सामने था। गाजी बाबा और उसके साथियों ने सीमा प्रहरियों पर हथगोलों और गोलियों की बौछार खोल दी। इस बौछार का सामना किया तहखाने के दरवाजे पर खड़े जांबाज एनएनडी दुबे सीपी त्रिवेदी बीनू चंद्र और सिपाही बलबीर सिंह ने। जांबाजी और बुलंद हौसलों का आलम ये था कि तहखाने के अंदर से फेंके गए ग्रेनेड को बीनू चंद्र ने उठाकर दोबारा तहखाने के अंदर फेंक दिया। जो मौत का सामान रणबांकुरों की ओर फेंका गया था वो दहशतगर्दों की तबाही का सबब बना।
दहशतगर्दों की तरफ से अपने भागने के लिए रास्ता बनाने की कोशिश में की जा रही ताबड़तोड़ फायरिंग के सामने हमारे जांबाज मजबूत चट्टान की तरह डटे रहे। तभी एक दहशतगर्द ताबड़तोड़ फायरिंग करता हुआ तहखाने से बाहर कूदा। उसकी AK-47 का बर्स्ट श्री दुबे को छलनी करता। इससे पहले सिपाही बलबीर सिंह ने बीच में कूदकर गोलियों की बौछार को पूरा अपने सीने पर झेल लिया। पलक झपकते ही श्री दुबे ने इस दहशतगर्द को झपट कर पकड़ लिया। दहशतगर्द ने अपने आप को पकड़ से छुड़ाने के लिए दूसरे हाथ से पिस्टल निकालकर उन पर फायर कर दिया। गोली उनकी कलाई पर लगी और वो दहशतगर्द उनकी पकड़ से छूटकर भाग निकला। मगर हौसलों में अभी जान बाकी थी। श्री दुबे और सिपाही ओमवीर सिंह ने उस दहशतगर्द पर अपनी राइफल से फायर किया और अगले ही पल घाटी में दहशत के पर्याय बन चुके गाजी बाबा की लाश जमीन पर लौट रही थी। चारों तरफ गोलीबारी, धमाकों और दम खोटू धुएं का आलम था। श्री दुबे की निरंतर बिगड़ती हालत को देखकर सिपाही नील कमल अपनी जान पर खेलकर श्री दुबे को गोलियों की बौछार के बीच से निकाल लाया। इसी बीच एक भागते हुए दहशतगर्द को सिपाही राजेश ने दरवाजे पर रोक दिया। वापस लौटते दहशतगर्द ने पलट कर ग्रेनेड फेंका और धुएं का सहारा लेते हुए मकान की दूसरी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब हो गया। दोनों ओर से लगातार गोलीबारी जारी रही। सुबह दहशतगर्दों पर निर्णायक हमले से पहले इमारत में फंसे घायल श्री त्रिवेदी और बीनू चंद्रन को निकालना जरूरी था। अब तक बाहर से ऑपरेशन की कमान संभाल चुके ADIGP श्री के श्रीनिवासन ने श्री त्रिवेदी और श्री बीनू चंद्रन को छत से कूद जाने का आदेश दिया। उनकी हिफाजत के लिए नीचे गद्दे बिछा दिए गए थे और बख्तरबंद गाड़ी को पोजीशन कर दिया गया था। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद 40 फीट ऊंची इमारत की छत से कूदकर इन जांबाजों ने इमारत पर निर्णायक धावा बोलने का रास्ता खोल दिया। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। इस मुकाबले में राणा ताहिर नदीम उर्फ शाहबाज खान उर्फ गाजी बाबा, निवासी पाकिस्तान, चीफ ऑपरेशन कमांडर जैश ए मोहम्मद और उसका डिप्टी कमांडर राशिद भाई मारे गए। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ और इसी के साथ घाटी में दहशतगर्दों की रीढ़ की हड्डी टूट गई। इस बेमिसाल शौर्य गाथा को रचने वाले सभी जांबाजों को पदकों से सम्मानित किया देश ने। द्वितीय कमान अधिकारी NND दुबे को कीर्ति चक्र, सिपाही बलबीर सिंह को मरणोपरांत शौर्य चक्र, ADIG के श्रीनिवासन को प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर गारंट्री, द्वितीय कमान अधिकारी CP त्रिवेदी, सहायक कमांडेंट S बीनू चंद्रन, सिपाही राजेश सिंह भदौरिया को प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री तथा सहायक कमांडेंट हिमांशु गौड़, हेड कांस्टेबल हेमचंद्र जोशी, हेड कांस्टेबल कुलदीप सिंह, हेड कांस्टेबल मानिक नाथ, सिपाही नील कमल दास और सिपाही ओमवीर सिंह को पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। इस गाथा के तमगे हैं जो इन जांबाजों के गर्व से तने सीनों पर टंगे हैं। ये कोई अकेली दास्तान नहीं है, सीमा प्रहरियों की दिलेरी और वतन पर मर मिटने के जज्बे की। अपनी स्थापना के 50 वर्षों में सीमा प्रहरियों के सीनों पर टंगे एक पद्म विभूषण, 2 पद्म भूषण, 1 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 1 महावीर चक्र, 4 कीर्ति चक्र, 7 पद्मश्री, 1 अति विशिष्ट सेवा मेडल, 11 वीर चक्र, 12 शौर्य चक्र, 231 राष्ट्रपति के वीरता के पुलिस पदक, 56 सेना मेडल, 12 विशिष्ट सेवा मेडल, 870 वीरता के पुलिस पदक, 1 उत्तम जीवन रक्षा पदक, 4 जीवन रक्षा पदक और 43 प्रधानमंत्री के जीवन रक्षा पदक। सिर्फ पदक ही नहीं बल्कि शौर्य गाथाएं हैं जो रची हैं इन सीमा प्रहरियों ने देश की सुरक्षा में अपनी जान पर खेलकर।